बिहार के जनों की तरक्की के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए जो उनका मिशन बनता है उसको हम लोगों को जितना पहुंचाना चाहिए वहां तक, जितना वो काम कर चुके हैं वो हम लोग नहीं पहुंचा सके, हम लोगों को ये बात घर घर पहुंचानी चाहिए। नीतीश जी के माननीय नीतीश जी के कामों को लोग घर घर तक पहुँचेगा, लोग जानेंगे तो और पार्टी मजबूत। कटिहार जिला के जदयू के हमारे जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, और हमारे बगल में दुलाल चंद्र गोस्वामी जी जो एमपी रह चुके हैं, इस बार प्रत्याशी थे, वो भी साथ में बैठे हैं। हमारे विजय जी पहले मेयर भी रह चुके हैं, आज माननीय विधायक हैं बरारी से, वो भी बैठे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, शमीम साहब, सूरज बाबू भी बैठे हैं, और देखिए हमारे निजामत कर रहे हैं, सारे लोग हैं, अपने इम्पोर्टेंट लोग जितने कटिहार के हैं, चाहे वो किसी पद पर हों या पद पर नहीं हों, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक परिचर्चा हुई कि आगे किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे बूथ को मजबूत किया जाए ताकि हमारे कटिहार में से ज़्यादा सीट, कटिहार जिला में 7 सीट है, संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, इस पर NDA की कामयाबी कैसे हो, जदयू की कामयाबी कैसे हो, उसके लिए ये आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक परिचर्चा हो रही है। और सब ये मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है इसे 18-19 सालों में किया है, और हम समझते हैं कि अगर अगले बार 5 साल के लिए और आ जाएँ तो जो बिहार की चमक दमक बनी है, 2005 के पहले आप जाएंगे नवंबर के पहले तो क्या हालत थी इस प्रदेश की, और अब देखिए कि सड़क किस तरह चमक रही है, बिजली की हालत कितनी बेहतर हुई, रोज़गार कितना लाखों लाख रोज़गार मिल रहा है, और आगे चलकर बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बनने वाली है जिससे रोज़गार मिलेगा। ख़ास तौर पर हमारी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें चर्चा हुई कि यहाँ केले की खेती, यहाँ आलू की खेती, यहाँ मकई की खेती, ये यहाँ आपसे बताएं जूट की खेती, मखाने की खेती होती है, तो यहाँ किस तरह से छोटा छोटा उद्योग लगेगा जिससे रोज़गार मिलेगा। अगले बार सरकार बनेगी तो हम समझते हैं कि कटिहार में बड़ा उद्योग लगेगा, और साथ कटिहार में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की तरक्की होगी। ख़ासतौर पर उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए जितना काम किया है उन्होंने, ये सराहनीय है। अकलियत के लिए भी जो काम उन्होंने किया है तो वो भी बहुत सराहनीय है। हम सभी दुआ करते हैं कि आज जो ये परिचर्चा हो रही है पार्टी की, आज के दिन हम सभी लोग दुआ करते हैं और आशीर्वाद और शुभकामना देते हैं कि माननीय नीतीश जी की उम्र सेहत के साथ इतनी लंबी हो कि बिहार में और काम करने का उनको मौका मिले। इस इलाके में सरकार नज़र रखे हुई है, आप देखिए अभी कटिहार में एक स्कूल बनने जा रहा है जो वक्फ बोर्ड ने ज़मीन दिया है, और उसमें यानी रिहायशी स्कूल यानी हॉस्टल भी होगा और स्कूल भी होगा, और अलकरीम यूनिवर्सिटी यहाँ जो दिया वो ऐसी यूनिवर्सिटी दिया जिसमें 50% सीट मुसलमानों की होगी और 50% सीट जनरल होगी जो सबों की होगी। तो इतनी बड़ी चीज़ जो मेडिकल कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी, आज BSc नर्सिंग है, बी फार्म है, लॉ खुलने जा रहा है, ये सब दैन नीतीश कुमार जी के है कि लड़कों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, समय पर परीक्षा हो। BN मंडल की वजह से बड़ा लेट होता था तो ये यूनिवर्सिटी दी ताकि समय पर बच्चे निकल सकें, तो ये उनकी इच्छा है कि शिक्षा में बड़ा से बड़ा काम हो, और जिसको शिक्षा होती है, शिक्षा मिलती है, वही लोग आगे बढ़ते हैं, उनको प्रतिष्ठा मिलती है और उनकी कमाई होती है। तो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में वो काम करना चाह रहे हैं। और अभी जो पूर्णिया में जो केंद्र सरकार ने, NDA की सरकार ने बनाया कि वहाँ हवाई अड्डा बनेगा, उसमें भी माननीय नीतीश जी ने चिट्ठी लिखा है माननीय मंत्री को कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए,
ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो सके। तो नीतीश कुमार जी ने जितने काम किए हैं गिनाऊँ तो उतना आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता। बहुत जल्द बनेगा, थोड़ा बड़ा काम करने में वक्त लगता है, इंतज़ार कीजिए, आपको जल्द ही आपको दिखने को मिलेगा। सर, संगठन को लेकर चर्चा हो रही है कटिहार, पूर्णिया, रुपौली, लगातार सर ये जदयू की ये सीट रही है और इस पर हार झेलनी पड़ी है जदयू को, क्या देखिए देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अगला चुनाव लड़ना है, चाहे कटिहार का मामला हो, सीमांचल का मामला हो या बिहार का मामला हो, उनको अपने क्षेत्र में दिन रात काम करना चाहिए, वो काम करें ताकि अगर कोई कमजोरी हुई है तो उसको दूर हो, लोगों से संपर्क करें, लोगों के घर घर जाएं। और ये सीख मिला है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रुपौली से जीता है, मैंने भी घूमा था, वो रोज़ाना वहाँ रहते थे, रोज़ाना लोगों से मिलते थे। अगर आप चाहते हैं ये सरकार बनेगी तो मैं कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता से, अपने नेतागण से हम ये नर्म निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं अगला विधानसभा, वो अपने अपने क्षेत्र को पकड़ लें। और बहुत कम समय रह चुका है, पता नहीं कब चुनाव होगा, और हो सकता है कि पहले भी हो जाए, समय पर होगा तो अभी अक्टूबर नवंबर 2025 में हो जाएगा। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो दिखने को मिला है ये सीमांचल में कमज़ोरी हुई है, लेकिन इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर जाएं अभी से अपने अपने क्षेत्र में, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये खास तौर पर हम सीमांचल के लोगों और कटिहार के अपने जो शुभचिंतक लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि इस पर ज़रूर ज़रूर हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि आगे हम लोग कैसे जीतेंगे। पिछले मामले में मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी की परिचर्चा थी कि आगे कैसे हम लोग मजबूत होंगे, कैसे और मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चूक हो गई चुनाव? चूक नहीं हुई है, हम लोग ये करते हैं मेहनत पूरे बिहार में, जो पॉलिसी बनाते हैं बिहार के जनों की तरक्की के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, दलित के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो उनका मिशन बनता है उसको हम लोगों को जितना पहुंचाना चाहिए वहां तक, जितना वो काम कर चुके हैं वो हम लोग नहीं पहुंचा सके, हम लोगों को ये बात घर घर पहुंचानी चाहिए। नीतीश जी के माननीय नीतीश जी के कामों को लोग घर घर तक पहुंचेगा, लोग जानेंगे तो और पार्टी मजबूत होगी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।